सरोवर प्रेम की और भरे रहे दिन रैन। जहाँ जहाँ प्यारे पग धरे तहाँ कृष्ण धरे दूने। श्री राधे श्री राधे 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 भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारी यात्रा आ चुकी है हाजीपुर, जो कि बरसाना से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। और यहाँ पर एक सरोवर है जिसके आप मेरे पीछे दर्शन ही कर पा रहे हैं, जिसको बोला जाता है प्रेम सरोवर। और उस प्रेम सरोवर का, जैसा कि आगे आपको एक पता भी चल जाएगा इसके बारे में, हमारे एक मैन जी उसको वो आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। तो जब हमारे भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी को जब यहाँ से छोड़कर चल दिए, जब उनका प्रथम मिलन यहाँ पर हुआ, तो उसके बाद जो हमारी राधा जी थी उनकी आंखों से आंसू निकले। और जब उनकी आंखों से आंसू निकले और भगवान श्री कृष्ण जी ने जब ये देखा कि राधा जी हमसे कितना प्रेम करती हैं, तो उसके बाद जब उनकी आंखों से भी आंसू निकले और जो सखियां थी उनकी आंखों से भी आंसू निकले, तब इस सरोवर का निर्माण हुआ। और जो ये खुशी के आंसू थे तो इसका जो पानी है वो मीठा है। और जो राधा कुंड है जो गोवर्धन में पड़ता है, वो दुख का एक कुंड है, तो उसका जो पानी है वो खारा पानी है। कहा जाता है कि जब हमारे आंसू सुख में या खुशी में निकलते हैं तो उनका जो स्वाद होता है वो मीठा होता है, जब दुख में निकलते हैं तो उनका स्वाद होता है खारा। तो आप जो मेरे सामने देख रहे हैं यही है हमारा प्रेम सरोवर। और प्रेम सरोवर के बारे में बताएंगे हमारे एक बाबा। बाबा जी आइए और कुछ बताइए हमें प्रेम सरोवर के बारे में। प्रेम सरोवर ये नंदगांव बरसाना रोड के 200 मीटर की दूरी पे स्थित है। और इसका प्रणाम मंत्र है ललित प्रेम शंभुते प्रेमाक्ष सरसे नमः प्रेम पदाय तीर्थाय कौटल्य पदनाशक। ललित प्रेम कहते हैं राधा कृष्ण के परस्पर जो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसको ललित प्रेम कहते हैं। प्रेमाक्ष सरसे नमः, यह सरोवर प्रेम रूपी कमल, प्रेम अक्ष, अक्ष मीन्स कमल होता है, तो यह जो है अष्टदल कमल, 8 घाट इसमें देखेंगे आप, और यह जो है प्रेम का एक कमल है, ऐसे सरोवर को हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने के लिए क्यों नमस्कार करते हैं, तो कहते हैं कि प्रेम पदाय तीर्थाय, यह जो है जितने तीर्थ हैं जो उनके पास में है वह जो है वो आपको मिल, जैसे आपको धन की इच्छा होती है तो किसी धनी व्यक्ति से मिलते हैं, वैसे किसी तीर्थ में आप जाते हैं तो आपका वंश वर्धन होता है, किसी तीर्थ में आपका धन दौलत मिलता है, किसी तीर्थ में पाप करते हैं, उसी तरह से यह प्रेम सरोवर जो है यह राधा कृष्ण के परस्पर जो युगल प्रेम रस है उसको प्रदान करता है प्रकृष्ट रूपेण। कौटल्य पद नाशक, जो हमारे अंदर में कपट है, कुटिलता है, आर्टिफिशियलिटी है, बनावट है, दिखावा है, उसको यह जड़ से ख़त्म करके हमारा वास्तविक जो स्वरूप है उसमें यह स्थित कर देता है। अब यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल पक्ष है एकादशी को, यहाँ पे नौका विहार, राधा कृष्ण का नौका विहार, यह एक बृहद मेला लगता है, आप सब यहाँ पे उस मेले का आनंद ले सकते हैं। यह प्रेम सरोवर अष्टदल कमल के पत्तों के ऊपर की तरह जो है इसमें स्नान करने से, मज्जन करने से, पान करने से, यहाँ पे वास करने से यह धीरे धीरे आपका जो है जो कुटिलता है, कपट है, उसको ख़त्म करके और राधा कृष्ण के प्रेम को भरने में समर्थ है। भगवान कहते हैं तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो यह जो है निर्मल कर देता है और भगवान राधा कृष्ण की प्रेमा भक्ति को प्रदान करने वाला है। ये सामने थोड़ा सा घुमा दीजिए, ये सब जो है ये प्रेम वन है, ये जो देख रहे हैं आधे जंगल, ये 2 किलोमीटर में फैला हुआ ये प्रेम वन है। इस प्लैनेट पे, इस धराधाम पे जब भगवान राधा कृष्ण का अवतरण हुआ था तो वैसे तो वे माता पिता के साथ में नंद भवन और विशुभान भवन में हमेशा मिले हुए हैं, हमेशा मिलते रहते थे, किसी भी उत्सव आदि में आना जाना सबका रहता था तो वहाँ पे मिलते थे। लेकिन इस जगह पे वे एलोन, राधा कृष्ण, राधा रानी अपने सखियों के संग में यहाँ पे खेलने के लिए आती हैं और कृष्ण गोचारण करते हुए इस वन में आते हैं। तो एक भक्ति रसामी सिंधु में एक प्रेम के विषय में, प्रेम वैचित्री के विषय में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया गया, थोड़ा सा दिखाया गया है। वे राधा कृष्ण यहाँ पे कृष्ण की गोद में श्री राधा विराजमान हैं और एक भ्रमर राधा रानी के बदन कमल से कमल की सौरभ निकलती थी, तो एक भ्रमर जो है वहाँ पे
आकर के उनके मुख की तरफ बार बार भ्रमर आता था, जिससे राधा कृष्ण दोनों को एक दूसरे में खोए हुए से देखने में दिक्कत होती थी। राधा रानी बार बार अपने हाथों से ऐसे करती थी, तो जिससे कृष्ण ने अपने एक मित्र मधुमंगल को बुलाया और कहा कि इस भंवरे को यहाँ से दूर भगा दो। तो वह जो है अपने गमछे से ऐसे उस भंवरे को उड़ा करके दूर लेके जाता है, और दूर से ही वहाँ से वह बोलता है कि मधुसूदन चले गए। भंवरे को संस्कृत में षटपद होने के नाते एक नाम मधुसूदन है और कृष्ण का भी नाम मधुसूदन है। राधा रानी उनके अंक में हैं, गोद में हैं कृष्ण के, लेकिन ये कानों के द्वारा श्रवण दूर से आवाज आई कि मधुसूदन चले गए। तो उन्होंने अपने मन में यह किया कि प्रीतम मुझे छोड़ करके चले गए मुझे भागनी को, तो वे जो है तुरंत मूर्छित हो जाती उनकी गोद में। और कृष्ण देख रहे हैं कि श्री राधा कितना प्रेम मुझसे कर रहे हैं, मेरे गोद में हैं, फिर भी शब्द को सुनने के बाद में वे एकदम भूल जाती हैं कि कृष्ण नहीं गए हैं। बस यही कह करके एक दृष्टांत है, इसको शास्त्रों में प्रेम वैचित्री कहा जाता है। मिले रहत जैसे कबहू न मिले, हमेशा एक दूसरे में मिले रहते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, फिर भी ऐसा नित्यम नवम नवम शास्त्रों में कहा गया है कि जितना देखेंगे उतना ही नित्यम नवम नवम उनका वह होता, जैसे पहले कभी देखा ही नहीं था। जय श्री राधे। आप सब इस वीडियो को देख करके और यहाँ पे दर्शन करने के लिए आवें। जय श्री राधे। तो यही है जो आप मेरे सामने दर्शन कर रहे हैं, प्रेम सरोवर। और इसको अष्टकमल क्यों बोला जाता है कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, और जिसपे मैं खड़ा हूँ ये है आपका इसका 8वां कमल, इसको कमल बोला जाता है, 8वां कमल। और मौसम आज बहुत सही है और मेरे सामने है बिल्कुल राम दरबार, और इसका वीडियो इसके बाद आएगा। और यहाँ पर काफ़ी लोग नहाते भी रहते हैं और काफ़ी फेमस है ये भी अपने आप में। और इधर ही विनोद बाबा की कुटिया है इसके पीछे, और यहाँ पर कुछ बच्चे भी नहाने के लिए भी आए हुए हैं। अब हमारे ये भाई लगाएंगे छलांग, बहुत शानदार। भाई ठीक हो? ओके भाई, आप भी लगाओगे छलांग हैं? वही वाह, आप भी ठीक हो? तो इसी दाम पे बोलो राधे राधे। तो भैया आप भी कूदोगे? नहीं भैया। अच्छा आप नहीं? अच्छा आपको तैरना नहीं आता? आपका नाम क्या भैया? अजय। राधे राधे भैया। राधे राधे जी। राधे, तो आपको मैंने आज दिखाया प्रेम सरोवर और हमारे साथ भैया हैं। भैया जी राधे राधे। भैया जी आपका शुभ नाम थोड़ा राजे ही भैया। कुमार पांडे नाम है। क्या भैया दोबारा बताएं? अनुज कुमार पांडे। भैया का नाम है अनुज कुमार पांडे और भैया जी आपका नाम? प्रेमचंद सैनी। प्रेमचंद सैनी। प्रेम सरोवर के ऊपर ही इनका नाम रखा गया है क्योंकि भैया हाजीपुर से ही है। भैया सही है? अच्छा सॉरी, गाजीपुर। गाजीपुर अच्छा, गादीपुर जो इसका, हमारे जो गांव के नेटिव लोग होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है, बाकी प्रचलन में गाजीपुर चला हुआ है। तो इस जगह के बारे में दो शब्द बताएं। भैया जी यहाँ महाप्रभु जी की बैठक है इसलिए इसका नाम पड़ा गादीपुर। अच्छा गादीपुर, गद्दी की वजह से गादीपुर। जी भैया जी, ये विशेषताएँ तो बहुत हैं यहाँ की प्रज की। विशेषताएँ तो लीला है वो मैं आपको दिखाई रहा हूँ। प्रेम बने साक्षात, आप देख रहे हो प्रेम बने, ये प्रेम सरोवर है जी। यहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी का जो प्रथम मिलन हुआ था, आंसुओं से ये बना हुआ है जी। बस यही लीला है, यही लीला है। तो भैया जी आपका कैसे आना हुआ, आप यहीं से हैं या आप कैसे यहाँ आए? हाँ, मैं यहाँ बरसाना में रहता हूँ और मुझे जब भी कोई मेरा मन ऐसे परेशान होता है तो मैं यहाँ आके बैठता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, तो अभी भी एहसास होता है कि ठाकुर जी राधा रानी यहाँ पे हैं। मन को बहुत शांति मिलती है, अपने मन की भाषा मतलब जो भी परेशानी है यहाँ शेयर करता हूँ अपने मन से ही जी जी। तो ऐसा लगता है कि उसका निवारण मिल रहा है मुझे जी, इसलिए मैं यहाँ के हमेशा, मुझे जब भी वक्त मिलता है सर्विस से या जिस दिन छुट्टी रहती है, मुझे जब भी थोड़ा सा काम टाइम मिला, काम से छुट्टी मिली, तो मैं यहाँ आके अपना समय व्यतीत करता हूँ और ये फील करता हूँ कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का मुझे दर्शन भी होता है, जिसे मैं आँखें बंद करता हूँ और मुझे सारी परेशानियों का निवारण हो जाता है यहाँ पे। तो सुना आपने हमारे भैया का कितना अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है यहाँ से। और ये हमारा कोई पेड़ वो नहीं होता कि हम किसी से कहलवाते हैं बातें,
तो भैया जी, आपने अभी तक ये अनुभव किया, ये बिल्कुल सत्य है? हाँ बिल्कुल सत्य है, मैं काफी टाइम से यहाँ पे आता हूँ, 2014 से मैं हूँ, और जब से मैंने इस प्लेस के बारे में जाना था कि ये राधा रानी के आंसुओं से बना हुआ है, तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं यहाँ देखूँ, और फिर जब से मेरा आना जाना हुआ, लोग हमारे टच के आते भी रहते, तो यहाँ दर्शन कराना हुआ, फिर जी समय मिलता तो यहाँ बैठना भी हुआ, जैसे संडे को हमारा ऑफ रहता है, सैटरडे ऑफ रहता है, तो हम यहाँ बैठते हैं आके। यहाँ ऐसा लगता है कि मतलब कि थोड़ा सा पब्लिक प्लेस कम है जहाँ मैं बैठता हूँ, तो यहाँ अपने मन को मतलब भक्ति में सोच भी लेते हैं कि मतलब कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसे ठाकुर जी के दर्शन मोड़ा जा सकता है। हाँ, हाँ, तो मेरे को बहुत अच्छा यहाँ फील होता है, और अगर सोचते हैं तो राधा रानी जी के दर्शन भी होते हैं मुझे, इसलिए मैं हमेशा यहाँ। ये तो प्रेम मने भैया। हाँ राधा कृष्ण आज भी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको भी यहाँ के दर्शन करने हैं और शांति का और इस अनुभव का, राधा कृष्ण जी का, अगर आपको एक अपने मन में दर्शन करने हैं, तो आपको आना पड़ेगा प्रेम सरोवर जो पड़ता है आपका हाजीपुर, बिल्कुल सही बोला भैया, जिसको गादीपुर भी बोला जाता है, बरसाना से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पहले पड़ता है। जब आप नंदगांव से आएंगे तो आप यहाँ जरूर आएँ। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। श्री राधे राधे। और इसी के साथ हम प्यार भरी बोलते हैं राधे राधे।